हेलो एवरीवन, विशाल सैनी दिस साइड। एक बार की बात है, एक स्कूल के अंदर एक बहुत ही नालायक बच्चा पढ़ता था। सभी उसको बोलते थे कि तू लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकता, तू लाइफ के अंदर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। वो भी बहुत परेशान रहता था कि मुझे सब ऐसा बोलते हैं, और उसको भी ऐसा लगने लग गया कि वो ज़्यादा कुछ लाइफ के अंदर नहीं कर पाएगा। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, जाते जाते रास्ते में उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा पानी की तरफ, वहाँ आसपास कोई पानी नहीं था। बट उसने एक तरफ देखा कि ऊपर से एक पानी की बूंदें टपक रही है एक पहाड़ से, और वो नीचे पत्थर पे आके लग रही हैं बार बार। जब उसने उसको देखा तो उसकी प्यास और ज़्यादा बढ़ गई, और वो वहाँ पर गया और उसने देखा कि जो पत्थर पर पानी की बूंदें बार बार लग रही हैं, पत्थर पे पानी की बूंद गिर रही है, उसने बूंद ने क्या किया है, उस पत्थर के अंदर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया है उस पानी की बूंद ने, जबकि पत्थर इतना मजबूत है और पानी की बूंद इतनी मजबूत नहीं है। बट फिर भी लगातार उसके ऊपर लगने से उस पानी की बूंद ने उस पत्थर के अंदर छेद कर दिया। तो उसने वहाँ से सीखा, उसने सीखा कि अगर मैं किसी काम को कंसिस्टेंसी से करता हूँ, लगातार निरंतर करता हूँ, तो मैं भी इसी तरह एक मजबूत काम को, ये दुनिया बहुत मजबूत है, मैं भी इस तरीके से अगर मैं किसी काम को करता हूँ तो मैं भी यहाँ अपनी छाप छोड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, काम को स्टार्ट तो कर लेते हैं, बस उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, जबकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलो, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा इसके अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।